इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। मैं सभी न्यूज इंडिया के संपादक जी, चीफ ब्यूरो जी, सभी पत्रकार बंधु, सभी संवाददाता बंधु और सभी कैमरामैन, सभी स्टाफ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। यहां पर उपस्थित जो हमारे मेहमान हैं, आए हुए हैं, सभी पार्टी के लीडरगण, पॉलिटिकल लीडरगण, मिनिस्टर्स, हमारे किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत जी, हमारे मित्र हमारे बीच में, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अच्छा, एक कॉन्क्लेव आप कर रहे हैं। दरअसल में कुछ चीज़ें आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, रिपोर्टर्स हमारे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होते हैं। कुछ चीज़ें अगर आप देखें तो, अगर एक आध बात हम ध्यान दिलाएं आपको, तो आप देखे होंगे कि 1945 में आप सब पढ़े होंगे कि जब विश्व युद्ध चल रहा था तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो औद्योगिक शहर में अमेरिका ने बम डाल दिए और वो दोनों शहर इतना ध्वस्त हो गए कि पूरा जापान जो है अस्त व्यस्त हो गया। और उस समय जापान ने एक नारा दिया, मेक इन जापान, और मेक इन जापान यानी ध्वस्त हुए जापान को खड़ा करना। तो वो जापान खड़ा करने के लिए वहाँ के सरकार, वहाँ के जजेज, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स यानी सरकारी कर्मचारी अधिकारी, जनता और मीडिया, सबका एक ही मकसद है कि इस ध्वस्त हुए जापान को खड़ा करना। और वो सब एक साथ एकजुट करके खड़े हुए देश को बनाने में आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान दुनिया में नंबर एक पे आ गया। हम 1947 में आज़ाद हुए, दो साल बाद चीन आज़ाद हुआ और चीन ने भी यही नारा दिया, मेक इन चाइना। और मेक इन चाइना का जब नारा दिया तो वो चाइना के लोग, चीन के लोग, सब लोग एकजुट हुए, मीडिया के लोग, जनता, कर्मचारी, अधिकारी, जजेस, सरकार, चाइना को खड़ा करना, दुनिया में तीसरी ताकत बनकर के खड़ा हो गया। हम देश जब आज़ाद हुए